ओके तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन से आपके नेट गेट में लगभग क्वेश्चन यूजुअली आया ही करता है, नेट में भी आता है और गेट में भी आता है। दो वेव इक्वेशन का मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ किस टाइप का होता है। अभी मैं हम लोग होमोजीनियस में देख रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में गिवेन क्या होता है पहले मैं वो बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करोगे इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको जो पैटर्न दिया रहेगा या नेचर दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस टाइप से यूटीटी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, या फिर आपको ऐसे भी दिया रह सकता है यूटीटी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए वेव इक्वेशन में हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम होता है, एक तो सिस्टम विथ फाइनाइट लेंथ एंड एक सिस्टम विथ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं सिस्टम विथ फाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सिस्टम विथ फाइनाइट लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग वन डायमेंशनल भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल, ओके, ठीक है। इस केस में कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन होते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होते हैं आपके, बीसी में लिखे बाउंड्री कंडीशन कुछ इस टाइप से दिया रहता है, यू एट 0, t इक्वल टू कुछ यू एल कोमा टी। एल क्या है, 0 to L स्ट्रिंग लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे सिस्टम विथ फाइनाइट लेंथ, सिस्टम विथ फाइनाइट लेंथ मतलब जो स्ट्रिंग लेंथ होगा 0 to X, एल का लेंथ फाइनाइट होगा, इसको हम लोग फाइनाइट लेंथ बोलते हैं। और अगर इस एक्स का लेंथ इनफाइनाइट हो गया तो वो इनफाइनाइट लेंथ उसका अलग स्ट्रक्चर है, ओके। और कुछ एज्यूम कर लीजिए आपके पास इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा कुछ इस टाइप से एक्स कोमा जीरो, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। ये आपको गिवेन रहेगा। एंड वन थिंग और मेंशन रहेगा आपका यूटी एट एक्स कोमा जीरो, ये कुछ एज्यूम कर लीजिए आपके पास जी एक्स रहेगा। आपके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन एग्जाम में अवेलेबल रहेगा, अब इसके बेस पे हमें बताना है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है मैं देख ले बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग स्पेशल केस पे बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला ही बता देना, देन सॉल्यूशन ही डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा हूँ ताकि हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ओके। तो अगर इतने सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा समेशन फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स, ओके, अपॉन में स्ट्रिंग लेंथ एल इन टू, थोड़ा सा टेक्निकल है हालांकि इस टॉपिक से कम ही क्वेश्चन पूछता है, वेव इक्वेशन से आता जो होमोजीनियस इनफाइनाइट लेंथ के लिए आता है, ए फाइनाइट के लेंथ के लिए, ठीक है। तो एन पाई और जो वहां पे सीट था वो अपॉन में एल, ठीक है। उसी तरह एक टर्म और आ जाता है एफ एन, जिन लोगों को हीट इक्वेशन का डिफिनेशन और कैलकुलेशन वगैरह याद होगा तो उनको ये अच्छे से याद होगा कि किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। एन पाई सी टी एल और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ से आपको पता चला होगा कि ई एन और एफ एन क्या है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बता दे रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो मेंशन है वो ई एन और एफ एन क्या है। वेयर ई एन देख लेते हैं हम लोग क्या था, ई एन इज 2 by L, L क्या था स्ट्रिंग लेंथ, एंड 2 by L टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल और एल अपॉन में एल डी एक्स, ओके। उसी तरह आपका एफ एन होगा, एफ एन क्या होता है 2 by N पाई सी, मैं डायरेक्टली कंक्लूजन बता रहा हूँ, डायरेक्टली ट्रिक है आपका, एग्जाम में आप क्वेश्चन देखो और सोल्व करो, इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका है आप प्रॉब्लम पे अप्लाई करो, ठीक है। आप ऐसे रट्टा मार के इसको याद नहीं रख सकते, साइन एन बाई एक्स बाई एल डी एक्स, तरीका याद रखने का इसका यहाँ पे देखिए,
अंदर का सेम है, यहाँ के लिए हम लोग एफ एक्स ले रहे हैं और दूसरे वाले के लिए जी एक्स ले रहे हैं, बाकी सब कुछ डाटा सेम है 0 12, और यहाँ पे 2/L हो रहा था और इस केस में क्या हो रहा 2/NπC हो रहा। ओके, कुछ स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में दिया रहता है, दो तीन स्ट्रक्चर है उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेशल केस मेंशन कर दे रहा हूँ। स्पेशल केस मतलब वो पार्टिकुलर केस समझ लीजिए कुछ। ओके, जब हमारा कुछ इनिशियल कंडीशन है, मतलब मैं फर्स्ट ले ले रहा हूँ, व्हेन इनिशियल कंडीशन कुछ एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स हो एंड यूटी एक्स कोमा जीरो कुछ जी एक्स और ए भी जीरो हो। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा तो एफ एन वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एन वाला टर्म हटा दीजिएगा तो यहाँ से जो दूसरा बचेगा वो सोल्यूशन, तो आपका डायरेक्टली सोल्यूशन आ जाएगा। बस वही पार्टिकुलर केस हमने ले लिया, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज आपका जो यू एक्स टी था, यू एक्स टी इक्वल टू समेशन एज इट चलेगा फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ई एन टर्म आपका रह जाएगा ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल। ओके, यही चीज था हमारे ऊपर, और आपका एफ एन वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये जो बन जाएगा इंटू कॉस एन पाई सी टी बाई एल। ओके, ए आपका हो जाएगा जब जी एक्स जीरो दिया हो। ठीक है, दूसरा केस में एफ एक्स को जीरो ले लेते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ओके, तो सेकेंड स्पेशल केस क्या हो जाएगा, व्हेन इनिशियल कंडीशन का हो यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू ए जो हमने लिया था एफ एक्स, अब की बार ए जीरो हो जाए एंड जी एक्स के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हालांकि है वही चीज बट हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो इस केस में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली ट्रिक है, आप क्वेश्चन देखोगे और सोल्व करोगे, याद करने का तरीका बस प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये हो जाएगा यू एक्स कोमा टी, ओके समेशन वही रहेगा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स जीरो है तो ई एन वाला इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, तो आपके पास डायरेक्टली क्या बचेगा एफ एन, एफ एन हो जाएगा साइन एफ एन साइन एन पाई एक्स, ये चीज तो वही रहना है एन पाई एक्स बाई एल इन टू इधर हो जाएगा साइन एन पाई सी टी। ओके, एन पाई सी टी, बस यहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन हो गया, ई एन था यहाँ पे एफ एन हो गया, इस केस में एफ एन जीरो था इस केस में ई एन जीरो है। ठीक है, ओके, अब ओके आपको अब यहाँ पे एफ एन बचाना, तो एफ एन क्या हो जाएगा यहाँ पे वेयर एफ एन इक्वल टू टू बाई एन पाई सी, वही वाला चीज जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, बस वही है जी एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, और डी एक्स, अच्छा इस वाले केस में हम लोग इसको लिखना भूल गए ना, एफ एन क्या होगा, कोई नहीं इसको भी लिख देते हैं एक सेकेंड, एन पाई एक्स बाई एल और डी एक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो गया दोनों केस। ओके, तो ए हो गया कब, ए जो हमने अभी ए नोट डाउन किया, ए था अगर हमारे पास फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन क्या पूछे, हीट इक्वेशन विद सॉरी वेव इक्वेशन विद फाइनाइट लेंथ। ठीक है, अभी हम लोग किए वेव इक्वेशन विद फाइनाइट लेंथ, मतलब ये जो एक्स होगा ना ये क्या होगा जीरो टू एल दिया रहेगा और इसमें साथ में टी पे भी कंडीशन रहता है, टी हमारा टाइम होता है तो टी तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। ओके, तो टी पॉजिटिव होता है और ये एक्स का इन्फॉर्मेशन आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका फाइनाइट लेंथ का है या इनफाइनाइट लेंथ का है। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो वीवीआई है, मतलब उससे तो एक क्वेश्चन फिक्स है, उससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो दूसरा केस हम लोग देख ले रहे हैं कि दूसरा केस क्या है, तो आपका दूसरा केस वेव इक्वेशन वेव इक्वेशन
किसके लिए? जब सिस्टम क्या होगा, इनफिनाइट लेंथ का होगा, सिस्टम विद इनफिनाइट लेंथ। अब एक ही चीज का स्ट्रिंग का मतलब, जो यहाँ पे स्ट्रिंग होगा ना, जो एक्स था ये स्ट्रिंग होता है, तो ए या कुछ मान लो इस टाइप से होगा, ठीक है, या फिर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, या फिर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, मतलब वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि इनफिनाइट लेंथ है या क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए, मतलब इसका जो क्वेश्चन होता है, जो हमने ऊपर लिखा था वही होगा, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। अल्टरनेटिवली मैंने क्या लिखा था, कुछ इस टाइप से भी दे सकता है, ठीक है, ए दे दिया, और ओके ए जीरो है तो होमोजीनियस, और नॉन जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। तो इसको जनरल ले लेते हैं, मान लीजिए कि नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, तो कुछ एक्स को मट्टी का फंक्शन ले लिया, अगर जीरो हो जाएगा तो होमोजीनियस बन जाएगा। अब मैं अभी जो आपको रिजल्ट कराऊंगा नॉन होमोजीनियस ऐसा कराऊंगा इसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों का काम बन जाएगा। तो अभी सिर्फ मैं एक ही फॉर्मूला कराऊंगा और उसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों का बात बन जाएगा। अच्छा ए हम लोग इनफाइनाइट टेस्टिंग का कर रहे हैं, तो एक्स मान लीजिए कुछ इस टाइप से दिया होगा, ओके ठीक है, और टी तो आपका पॉजिटिव है क्योंकि टी टाइम है, और सी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ओके तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट करवा दे रहा हूं क्योंकि एक ही रिजल्ट से मैं दोनों काम करूंगा। नोट इफ फाइव एक्स टू जीरो, ठीक है, ये जब फाइव एक्स टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस, ठीक है, इफ फाइव एक्स टू जीरो देन इसको कुछ वन नाम दे दीजिए, देन वन बिकम्स होमोजीनियस, होमोजीनियस वेव इक्वेशन, ठीक है, ओके ये तो आप समझ ही रहोगे। अब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं रिजल्ट पे कि अगर हमें इस टाइप का वेव इक्वेशन दिया हो तो क्या बोलते हैं। इसके लिए एक पॉपुलर वेव सॉल्यूशन का फॉर्म है जो शायद आप नाम सुने होंगे, डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ओके, सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय डी एलम्बर्ट फॉर्मूला, डी एलम्बर्ट फॉर्मूला कर लीजिए, इक्वेशन कर लीजिए, ठीक है, आप जो भी पढ़ते होंगे। अब ये क्या होता है ये दिखाते हैं, ये कह रहा है डायरेक्टली यहां से आपको एक लाइन में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने मेंशन नहीं किया ना, ओके तो वो भी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ क्या होगा, इतना विद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा क्या, कि एक्स कोमा जीरो पे जो यू है एफ एक्स होगा आपका, ठीक है, एंड इसका डेरिवेटिव एट एक्स कोमा जीरो, ठीक है, ये क्या होगा आपका जी एक्स होगा, इतना गिवन आ गया एग्जाम में, ठीक है, ओके तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यू एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा हाफ टाइम्स, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नॉन होमोजीनियस करवा रहा हूँ और इसमें एक चीज मैं हटा दूंगा होमोजीनियस बन जाएगा, ठीक है, तो ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, और यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन कर दीजिए अपने जी एक्स का, तो ये होता है वन बाई टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस सी टू टू एक्स प्लस सी टी, किसका, जी एक्स का, ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में अनंत कुछ एस मान लीजिए, एस का फंक्शन आ जाएगा, तो एस के रेस्पेक्ट में, तो यहां से फाइनली आपका एक्स आ जाएगा, ओके प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल इंटीग्रेशन कहा जीरो टू टी, और इसका जो हो जाएगा लिमिट इसका 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 मैं आप लिख दो एक्स माइनस सी टाइम्स टी माइनस एप्साइलन, ओके, और ऊपर में एक्स माइनस सी टी प्लस एप्साइलन, ठीक है, एक्स एक्स माइनस सी टी प्लस एप्साइलन, ओके, और ये जो हमारा फाई एक्स टी लिखा था वो हो जाएगा आपका कुछ वाई और जाई का फंक्शन ले लीजिए वाई के रेस्पेक्ट में एन टू जाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझ जाइए।
ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली जब मैं क्वेश्चन का सेशन लूंगा उस टाइम इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो कि आप देख इस क्वेश्चन को देखते ही विद इन फ्यू मिनट्स आप करेक्ट फ्यू मिनट्स का फ्यू सेकंड्स आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। अच्छा एक देखिए, मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि एक ही फॉर्मूला से दोनों काम करूंगा, ठीक है, मतलब फॉर होमोजीनियस हमारे पास क्या हो रहा था, फाइव एक्स टी जीरो हो रहा था। अब फाइव एक्स टी जीरो हुआ तो ये देखिए ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ इतना ही बचा ना। तो उस केस में जब आपको होमोजीनियस दिया होगा तब क्या हो जाएगा, फॉर होमोजीनियस इतना सोल्यूशन वही बाई डी लैम्बर्ट फॉर्मूला ही, ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यही चीज जाएगा यू एक्स टी इक्वल टू हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी ओके प्लस वन बाई टू सी, ये हो जाएगा एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी किसका, उस जी का, ठीक है। तो ये हो गया कब, अगर आपको होमोजीनियस वेव इक्वेशन दिया हुआ है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। तो आपका जो नेट में क्वेश्चन पूछता है ना, ठीक है, मोस्टली आपका इससे काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों का इंक्लूडेड है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख लिए, इसको अच्छे से देखिए, अगर आपने इस नॉन होमोजीनियस वाले फॉर्मूला को याद रख लिए तो आपका दोनों में काम करेगा। इसको जब जीरो पूरा जब होमोजीनियस होगा तो यही टर्म आपका जीरो होगा, ये टर्म जीरो होते ही खत्म, तो इसका मतलब ये बच जाएगा जो हमने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया है इसको जीरो करने के बाद। तो होमोजीनियस और अगर आप देखिए नॉन होमोजीनियस का फॉर्मूला याद कर लिए तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों में काम कर गया, और यही आपका वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन तो लगभग हर बार ही पूछा हुआ है नेट में, ओके, और प्लस में गेट में भी इस फॉर्मूले से आता है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में नेचर देखना है तो आपको ए तो दिख जाएगा। अब मेनली जो आपका डिपेंड करता है इस एक्स पे, एक्स यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था और कुछ यह स्ट्रक्चर था, और इससे पहले वाला में देखिए इससे पहले में कुछ था इस टाइप का, इसमें एक्स फाइनाइट था, मेंशन क्या होगा एक्स फाइनाइट था, ठीक है, जीरो टू एल एल कोई फाइनाइट उसका लेंथ है जो भी था, और कुछ एक कंडीशंस दिए थे, कंडीशन और एक्स देके आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो एक कुछ फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर लिया। अब जैसे अभी प्रीवियस ईयर का आपका काम होमवर्क क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोजना और इसको सोल्व करना, और मैं हर बार 19 दिसंबर का एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहा हूँ तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन यहीं पे देखिए खुला ही है, क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखिए एक बार, ठीक है। तो वैसे मैंने इसका डिस्कशन तो कर दिया था पहले की क्लास में, तो जो मैंने बताया उस फॉर्मूला को अप्लाई करेगा और इसका क्विकली आंसर करेगा। मैं ट्रिक और हिंट बता दे रहा हूं, देखिए इस यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हुआ कि सी स्क्वायर वन है और हमने क्या पढ़ा था कि सी पॉजिटिव होता है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा सी इक्वल टू वन। ये देखिए फाइव एक्स टी दे दिया, ये नॉन होमोजीनियस वाला काम हो गया, फाइव एक्स टी इक्वल टू क्या हो गया एक्स टी। अच्छा ये देखिए क्या है, एक्स इनफाइनाइट है, इसका मतलब वेव नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, और टाइम पॉजिटिव है, यहां से पता चल गया। तो जो थोड़ा देर पहले हमने देखा था वही लगेगा, यहां से देखिए आपका एफ एक्स और इक्वल टू जी एक्स दोनों ही जीरो दे दिया, ये दिया ना एफ एक्स इतना और ये आपका जी एक्स था और इक्वल टू जीरो दे दिया, तो एफ एक्स और जी एक्स जीरो हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला था यू एक्स टी इक्वल टू हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस वन बाई टू सी जी एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एच डी एस प्लस वन बाई टू सी डबल इंटीग्रेशन जीरो टू टी। अब इधर वो जो लिमिट था एक्स माइनस सी टाइम्स टी माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस सी टाइम्स टी प्लस एप्सिलॉन किसका, फाइव ऑफ एक्स टी का, ओके। ए कैसे क्विकली करना है,
इसको वाई एप्सिलॉन ले लीजिए, तो डीएल वाई डीएल एप्सिलॉन। ओके, अब हमें क्यू के लिए कैसे करना, देखिए हमने यहाँ से देखा कि एफ और जी जीरो है, तो हमें तो फॉर्मूला याद है, तो ए जीरो पे चल जाएगा, ए जीरो पे चल जाएगा और ए जीरो पे चल जाएगा, तो हमें फाइनली कैलकुलेशन किसका करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा ही हिंट आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आई होप आप लोग क्यू के लिए इसके करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब आपको इस फॉर्मूले में जो कैलकुलेशन करना है वो डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, यू एक्स कुमार टी इक्वल टू वन बाई, और सी इक्वल टू वन है तो मैं डायरेक्टली वन लिख दे रहा हूँ, जीरो टू टी, और इधर हो जाएगा सी वन है तो यक्स माइनस टी माइनस एप्साइलन, ऊपर हो जाएगा यक्स माइनस टी प्लस एप्साइलन, और यहाँ एक्स टी है तो हमने वाई एप्साइलन, वाई और एप्साइलन का फंक्शन लिया था, डी वाई और डी एप्साइलन। अब आपको ये सोल्व कर देना है, फटाफट सोल्व कर दो, और जो आंसर आएगा उसमें यू के एक्स की जगह टू और वाई की जगह थ्री रख देना, आपका आंसर आ जाएगा इनमें से जो भी होगा। ठीक है, तो आपको मेथड पता चल गया। और ऐसे ए अभी देखो 19 दिसंबर का मैंने क्वेश्चन करवाया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर बार पूछता है, पहले क्या करता था होमोजेनियस का पूछता था, लेकिन अब क्या कर दिया है ट्रेंड में नॉन होमोजेनियस का पूछना शुरू कर दिया। इसी तरह जो हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन करते हैं ओडीई में, वहां पहले क्या करता था लीनियर वाला ज्यादातर पूछता था, अब क्या कर दिया नॉन लीनियर का पूछना शुरू कर दिया है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका सीखने का, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और आपका वहां से कंसेप्ट पैटर्न और तरीका सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो आप लोग करिएगा बाकी क्वेश्चंस को, आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।